हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब बच्चे। आज का ये वीडियो बहुत ख़ास होने जा रहा है और ख़ासकर टेंथ बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने 11 ट्वेल्थ का फिज़िक्स का लेक्चर्स भी अपलोड किया है, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, लेकिन अब मैं इनिशिएट करने जा रहा हूँ टेंथ वालों के लिए। और जो अपना ये चैप्टर है रिफ्लेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अपने पास अगर टाइम रहेगा तो हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री भी देख लिया करेंगे हम लोग और बायो भी देखेंगे। इस हिसाब से हम लोगों को टेंथ का पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेना है साइंस का, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट जितने भी कंटेंट है आपको इस पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये सब चीज़ें शेयर कर देना, जिसको अगर लगे कि हाँ ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर किसी कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो फ्लो होना चाहिए बेटा। तो जो ये अपना पहला चैप्टर है, किसी में चांद में अगर आप देखोगे तो पहले में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी दिया है, यानी जो एनसीईआरटी से फिजिक्स में आता है फर्स्ट चैप्टर वो होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपका चैप्टर है रिफ्लेक्शन। ये है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शंस को आप बहुत बार देखे होंगे, क्लास में भी देखे होंगे, टीचर्स सबका अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ डिफरेंट तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। छोटे में ही देखेंगे, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट देखेंगे, लेकिन मेन चीज़ है समझना, और वो समझने का काम हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है, देखो, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट बेटा क्या होता है, फर्स्ट थिंग, अगर किसी भी सरफेस पे, वो भूल जाओ ट्रांसपेरेंट है कि नॉन ट्रांसपेरेंट है, ये चीज़ हम भूल जाते हैं, ठीक है। हमको ये देखना है कि सर अगर लाइट किसी भी सरफेस पे गिरेगी, ठीक है, फॉल होगी, तो क्या हो सकता है, कौन सी फिनोमिना होगा। पहली चीज़ जैसे मानो अपने पास क्या है कि तो ये लाइट आ रही है, ये आएगी, ठीक है, यहाँ इंसिडेंट होगी इस सरफेस पे। अब सरफेस ये मिरर है या वॉल है अलग डिसाइड होता है, यहाँ से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम कैटेगराइज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अपना होता है बेटा, अगर ये सीधा सीधा चला गया, अगर ये सीधा सीधा चला गया तो उसको हम बोलेंगे, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक। और अगर मानो ये क्या है, अगर उल्टा चला गया, अगर इधर सीधा ना जाके इधर चला गया, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बहुत आराम से टॉपिक्स को देखते चलना, ठीक है बेटा। इस चीज को हम बोलेंगे इंसिडेंट। टर्मिनोलॉजी को बहुत ध्यान देना है, इंसिडेंस बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता है रिफ्रैक्टेड रे, ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यानी अब अगर हमको इसको पढ़ना है, इस पोर्शन को पढ़ना है, तो हम क्या देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि अपने पास अगर ये इधर गया तो ये मिरर है, अगर ये इधर गया यानी नॉन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो पहली चीज़ हम रिफ्लेक्शन को देखेंगे। रिफ्लेक्शन को हम ऐसे देखेंगे कि एक मिरर अपने पास है, मानो अपने पास क्या है, मिरर, ठीक है बेटा, ये है मिरर, और इसी पे एक इंसिडेंट एक रे होता है जो इंसिडेंट होता है, और ये है अपना नॉर्मल। नॉर्मल यानी 90 डिग्री टू द इस प्लेन की, किसी भी सरफेस से 90 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, अपना
नॉर्मल ही होता है, इसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं, नॉर्मल। और फिर ये है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और ये जो अपना जाएगा, ये अपना जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, यानी रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्शन है और इस रे को बोला जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसके बाद हम इस चीज को ऐसे समझते बेटा कि अब ये जो प्लेन है, सीधा सीधा मिरर है, इसमें हमने देखा कि हाँ चलो ठीक है, सब सही हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये मिरर जो है बेटा, ये प्लेन है, तब ये चीज़ें हो जा रही नॉर्मल। लेकिन अगर ये कर्व्ड हो जाए, यानी हम बात कर लें टाइप ऑफ मिरर की, टाइप ऑफ मिरर की, मिरर कितने टाइप होते हैं आप लोग केवल दो जानते होंगे, कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। लेकिन यहां हम क्या देखेंगे, जो टाइप ऑफ मिरर होता है ये होता है दो टाइप का। पहला जो होता है प्लेन मिरर, क्या प्लेन मिरर होता है, ठीक। और दूसरा जो होता है कर्व्ड मिरर, दूसरा जो होता है कर्व्ड मिरर होता है बेटा। इसके फर्दर जो कर्व्ड मिरर है, इसके फर्दर पार्ट होते हैं, जो कर्व्ड मिरर होते हैं इसके फर्दर पार्ट होते हैं। पहला क्या होगा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर को हम देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर को हम देखेंगे, ठीक। और फिर इसके बाद प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का मतलब है सीधा सीधा, क्या होगा ये पॉलिशिंग रहेगी, इसको सीधा सीधा अगर रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर, ठीक है। और एक क्या होगा, एक मान लो आप कर्व्ड मिरर बनता कैसे बेटा, पहले इसको हम देख लेते। कर्व्ड मिरर बनने का जो थीम होता है वो ऐसे है, जैसे मानो कोई बहुत बड़ा कर्व्ड है, कर्व्ड ग्लास है, तो इसको क्या किया हमने, काट दिया, इसको हमने क्या किया, काट दिया। अब इसमें काटने के बाद ये क्या हो गया, ये कुछ ऐसा बचेगा, ये मिलेगा अपने आप को, ये कर्व्ड पोर्शन रहेगा, ठीक है, यानी तवे की तरह, तवा देखो ना ऐसे। तो इसको पॉलिशिंग करने का दो दो तरीके से इसको हम पॉलिश कर सकते हैं, कि तो हम इधर साइड से कर दें इसको, कि तो हम इधर साइड से पॉलिश कर दें, या तो हम इधर साइड से पॉलिश कर दें। तो अगर इधर साइड से पॉलिश कर रहे हैं तो ये बन रहा है, पॉलिश कर रहे हैं ऐसे, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। और कॉनकेव को कैसे करेंगे,
कॉन्वेक्स को हम देखेंगे, कॉन्वेक्स किधर से है, इधर साइड से, अपोजिट साइड से, ठीक है, यानी अपना इमेज इधर ही रहेगा, इधर साइड इधर रहेगा और इधर साइड इधर से रहेगा। अगर गहरा रहेगा तो उसको हम कॉनकेव बोलेंगे, अगर उभरा हुआ रहेगा तो कॉन्वेक्स। जैसे तवा जो होता है, तो आप क्या देखोगे, तवा अगर ऐसे रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव। अगर उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये है अपना मिरर का फॉर्मूला, यानी मिरर का थोड़ा डेफिनेशन हमने देखा, मिरर के टाइप देखा। आगे चलते हैं, जो आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे हमको जो जरूरी टॉपिक है वो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, ये मिरर पे डिपेंड करता है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मिरर पे डिपेंड करता है कि वो मिरर प्लेन है या कर्व्ड है। तो इसके दो रूल होते हैं। पहला लॉ ये कहेगा क्या, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, इज इक्वल टू, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल जो है वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी इसको वैसे कर सकते हो।